उसी माँ का विवाह संपन्न किया। ऐसा मौसम हो रहा है, देखिए अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड पड़ने लग गई है और थोड़ा सा जो पेड़ों के पत्ते हैं वो भी पीले पड़ने लगे हैं अब ठंड की वजह से, तो इन्हें भी संभालना पड़ेगा। अब ये कुछ यहाँ पे सेटिंग हो रखी है, यही मुझे चेंज करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा सफाई करूँगी अभी धूप निकल आए। करण ने आइडिया दिया कि ऊपर ना यहीं पे ही तुलसी विवाह करो माँ आप, तो मैंने सोचा चलो इसी जगह को क्लीन करते हैं। और वैसे भी मुझे ये जगह साफ इसलिए करनी थी कि दिवाली का जो डेकोरेशन मैंने इसमें किया था उसको अब हटाना था, और बस अब कार्तिक पूर्णिमा तक ही ये डेकोरेशन रहेगा और उसके बाद फिर से वही अपनी जो रेगुलर रूटीन लाइफ है ना वही स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे घर में ना नीचे भी दो तुलसी जी के पेड़ रखे हुए हैं और उनको मैं भोग प्रसाद में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसीलिए उन्हीं तुलसी जी का विवाह करूंगी। इनको पहले मैंने ग्रेप प्लांटर में लगा रखा था, फिर इसमें चेंज किया, व्हाइट वाले में मैंने नई तुलसी जी लगाई थी क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी जी को लगाया जाता है। तो इसी वाले प्लांटर का मैं एक जो है वस्त्र तैयार, मैंने जो लहंगा तैयार किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं एक थोड़ी सी ऐसी चीज तैयार करूंगी जिसपे कि मैं अच्छे से लहंगा जो हूं पहना सकूं, सजा सकूं तुलसी जी को। तो ये एक मेरे पास मेटल की मतलब रखी हुई थी पट्टी, इसी को काट के मैंने नाप का अपने प्लांटर के नाप का कट कर लिया। एक्चुअली इसी में पूरी तुलसी जी का श्रृंगार होगा इसलिए इसकी जरूरत है, और मैंने ये इतना बड़ा कट किया है कि ऊपर से इसमें फेस आ जाए और नीचे तक ये गमले में अच्छी तरीके से लग जाए। तो जितना हमें फेस चाहिए उस जगह पे दूसरी वाली मैंने जो पट्टी है उसको एक रस्सी की मदद से कस लिया। अगर ये आयरन की मेटल की कोई पट्टियां आपके पास ना हो तो लकड़ी से भी काम चल जाता है, मोटी लकड़ी ले लीजिए और इस तरह से ऊपर फेस वाला हिस्सा छोड़ कर मैंने ये तुलसी जी के हाथ बना लिए हैं। और अब इसमें हाथ को प्रॉपरली बनाना है तो मैंने फैब्रिक पीस लिया और उसमें थोड़ी सी कॉटन रख कर मैंने आस्तीन बना ली हैं। और अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा हो तो आपको कॉटन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देखिए जितनी चौड़ी बनानी है उतनी मैंने ले ली है बीच में कॉटन रख के। और जो मैंने फ्रेम तैयार किया है ना जिसपे तुलसी जी का मैं श्रृंगार करूंगी उसी फ्रेम में हम तुलसी जी के इससे हाथ बना देंगे। चूड़ियां वगैरह पहनाना बहुत ईजी हो जाता है इससे और बनाना बहुत आसान है, बाद में इन सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। और इस तरह से इसको हमने बांध दिया यहाँ पे मैंने, और इसके ऊपर एक पेपर टेप लगा दिया है, और इस तरह से दोनों आस्तीन मैंने या दोनों हाथ तुलसी जी के तैयार कर लिए हैं पोशाक पहनाने के लिए। और उसके बाद उनकी कमर वाला हिस्सा तैयार करूंगी सेम इसी मेथड से, थोड़ा सा मोटा करने के लिए फैब्रिक, तो इसमें ज़्यादा सा फैब्रिक मैं लगा दूंगी, लेकिन ये फैब्रिक मेरे पास इतना ही था तो थोड़ा सा कॉटन मैंने रख लिया जैसा कि मैंने बताया, बाद में इन सब चीज़ों को हटा के हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको एक रस्सी की मदद से हल्के से बांध दिया। अब ये खिसकेंगे नहीं, अभी आगे मैं आपको बता दूंगी। और अब शुरू करें मैंने इनके वस्त्र बनाने। तो मैंने जो एक ब्लाउज के लिए कपड़ा लिया था फैब्रिक पीस वो मैजेंटा कलर का था, उसी को मैं यूज करूंगी। लेकिन हाँ एक चीज और पहले मैं बता दूं, नीचे इसको प्लांटर में टिकाने के लिए एक मैंने पट्टी और लगा दी है, ये अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे लगाई है। तो पूरा एक जो अब आगे का श्रृंगार का काम है वो शुरू हो गया। तो इस तरह से मैंने आस्तीन बनाई, अलग से लगाई, पहले आस्तीन लगा बनाकर फिर भी हम इसको लगा सकते हैं। और दोनों आस्तीन बना दी हैं और इसी तरीके से नीचे के एरिया में भी फैब्रिक लगा दिया है, बस इसको जो है ना सुई धागे की मदद से सिल लेंगे। और जो तुलसी जी का फेस है ना उसमें पूरे छेद बने हुए आते हैं, तो मोटा धागा लेके रस्सी लेके और पीछे थोड़ी सी कॉटन लगाकर इसको कसिएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है और बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी तरीके से पूरा एक फ्रेम तुलसी जी का रेडी हो गया।
अब इसको ना प्लांटर में पूरे फ्रेम को गाड़ना था, तो देखिए ये जो लास्ट वाली पट्टी है ना ये प्लांटर पर टिक जाएगी और थोड़ा संभल कर हमें इसको लगाना है ताकि तुलसी जी की जड़ें बिल्कुल भी ना कटें। और देखिए इस तरह से बिल्कुल प्रॉपरली मिट्टी में लग के ये पूरा फ्रेम फिक्स रहेगा और बढ़िया तरह से इसमें अभी आगे श्रृंगार होगा। अब मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ तो चौकी वगैरह लाके रख दी है मैंने। अब विवाह है तो मंडप तो बनाना ही है, लेकिन मंडप बनाने से पहले एक बैकड्रॉप बनाना है। एक्चुअली बैकड्रॉप इसलिए जरूरी होता है, हर देवी और देवता की एक शक्ति होती है, एक ऑरा होता है, और उसको पीछे से जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा उभारेंगे अगर हम तो वो ऑरा और ज्यादा बढ़ जाता है और थोड़ा डेकोरेशन से स्थान सुंदर भी लगता है। कुछ ताजे फूलों से, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर से मैंने ये बैकड्रॉप तैयार कर लिया है। और इसके बाद जो मंडप बनता है तुलसी विवाह में वो गन्ने का बनता है, तो गन्नों को आपस में जोड़कर इस तरह से लगाया जाता है कि पूरा मंडप तैयार हो जाए। बड़े बड़े गन्ने आते हैं और इस टाइम पे तो बहुत महंगे भी ये मिलते हैं, तो अभी मैंने करण से मंगा लिए थे और चारों को ऊपर से एक सुतली या रस्सी की मदद से मैंने बांध लिया है और प्रॉपरली इनको फिक्स कर लूंगी इस तरह से कि इसमें तुलसी जी भी अच्छी तरह से आ जाए और विष्णु भगवान की जो फोटो है वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ सामने चौकी लगा दी है ताकि आराम से पूजा हो जाए। यहाँ विष्णु भगवान और यहाँ आ जाएंगी तुलसी मैया और ये बन गया है केले गन्ने का मंडप। ये खड़िया और गेरू आता है मार्केट में, इसको थोड़े से पानी में भिगो देते हैं एक दो घंटे के लिए और इसी से हम आगे बनाएंगे अल्पना। खीर हो रही है तैयार, बस मखाने भुन गए हैं, उन्हें क्रश करके इस गाढ़े दूध में डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, मेवे डाल देंगे और उसके बाद मैं जा रही हूँ अब अल्पना बनाने। अब शाम होने वाली है, शायद 3-3:30 बजे का टाइम होगा। अब हो रही है मेरी खाने की तैयारी। अभी मैं अल्पना बनाने जा रही थी लेकिन मैंने सोचा सब्जी भी बना जाऊं तो फिर मेरे पास शाम को ज्यादा काम नहीं रहेगा। तुलसी जी को मैंने जैसे डेकोरेट किया है ना, उनका जो फेस लगा के उनका पूरा इस तरह से ना, मैं हमेशा उनको मतलब जब तक वो लहंगा उनका गंदा नहीं होगा, मतलब खराब सा नहीं दिखने लगेगा, तब तक मैं पहना के रखूंगी और बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब ये छोटी छोटी चीजों पर जब हम ध्यान देते हैं ना तो वो डेकोरेशन अच्छा लगता है। मतलब बाकी सारी चीजें तो सबके घर मिल जाएंगी लेकिन तुलसी जी सजी हुई सुंदर, उनका कॉर्नर सुंदर सा, ये बहुत कम घरों में आजकल देखने को मिलता है। तो अगर आपने नहीं सजा रखा है ना तो तुलसी जी का एक कोना अपने घर में जरूर बनाइए और उसे सजा के रखिए। रंगोली तो साल में एक दो बार बन ही जाती है त्योहारों पर, लेकिन ये अल्पना साल में एक बार ही बनती है गेरू और खड़िया की मदद से। मुझे बहुत अच्छी तो ये बनानी नहीं आती है लेकिन जैसे तैसे मैं बना ही लेती हूँ। तो मैंने जो अपनी ऊपर तुलसी जी रखी हैं उनके सामने बनाई एक, बिल्कुल ऐसी ही बन गई है। आप लोगों को तो बहुत अच्छी बनानी आती होगी। और इसके बाद जो मेन तुलसी जी है ना जहाँ मैं उनका विवाह करूँगी वहाँ मैं नहीं बना पाई। और इस तरह का जो डेकोरेशन होता है ना ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए ये वो तुलसी माँ हैं जो ऊपर 3 तुलसी के पौधे रखे हैं जिन्हें मैं भोग प्रसाद में इस्तेमाल करती हूँ, तो इनका विवाह नहीं करते हैं तो इनकी मतलब पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मैं अगरबत्ती और दीपक तो जलाती हूँ। ये तुलसी माँ को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, अभी इनका श्रृंगार करूँगी, पूरा इनके जो वस्त्र हैं वो पहनाऊंगी, लेकिन इनके सामने क्योंकि जगह की कमी थी तो यहाँ मैंने अल्पना नहीं बनाई और यहाँ ही मैं देव उठान का काम करूँगी। इसके बाद जो नीचे तुलसी जी है वहां पर उनके सामने ये अल्पना बना दी है। एक हम आज ना बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं लेकिन उसमें जब ये पुरानी चीजें देखो तो ऐसा लगता है कि कैसे लगते होंगे वो घर, कितने सुंदर लगते होंगे, और वही वाली फील आ जाती है। एक मतलब एक अलग सा फीलिंग आती है जब मैं बोल रही हूं, अब भी अजीब मतलब अलग सा लग रहा है। कितने सुंदर वो घर लगते होंगे, कच्चे होते होंगे, मतलब ऐसा लगता है कि हमेशा ये चीजें घर में रहें। और मैंने डोर पे बहुत बड़ी बना दी
नहीं है, समय नहीं मिलता, नहीं तो इन चीज़ों को तो मैं बहुत ज़्यादा करूँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। और ये डेकोरेशन हमारे जो आजकल का डेकोरेशन है ना, उससे कहीं ज़्यादा अपीलिंग और डोमिनेटिंग है। देखिए कितना सुंदर सुंदर ये मैंने बना दिए हैं, हालांकि मुझे ये सब चीज़ें बनानी नहीं आती हैं, लेकिन हाँ कुछ करना है, बनाना है, नहीं आती ये कोई कारण नहीं है ना करने का। तो चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा त्योहार तो मनाना ही है। और अब मैं तैयार कर रही हूँ दीपक, और कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व होता है, तो जैसे दीपावली पे दीप जलाए जाते हैं ना, ऐसे तुलसी विवाह के दिन भी दीप जलाते हैं। तो कुछ दीप तो जो मैंने पेंट किए थे उसमें से नए मैंने रख लिए थे, ये सब इन सब में येलो कलर से पेंट किए थे, बहुत सुंदर लगे थे। अगली बार दिवाली पे ना अगर आपने पेंट नहीं किए तो पहले से पेंट करके रखना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन दीपक में बत्ती लगा देती हूँ, ऑयल लगा देती हूँ, और ये वाले जो दीपक है ना, देखो ये कितने सुंदर हैं, दिख रहे हैं ना आपको, देखो ये सारे सिरेमिक के हैं, देखो इनको वॉश कर लो और दोबारा से इनको यूज कर लो। तो ये थोड़े से डेकोरेशन पर्पस के हैं, और मैंने ऊपर दिवाली से पहले ही कुछ दीपक रखे हुए हैं, उनमें वैक्स की कैंडल्स लगा के उनको भी आज मैं जलाऊंगी। तो जल्दी से लगाती हूँ इसमें काम, नहीं तो बात करते रह जाऊंगी, कैमरा चलता रहेगा। जहाँ पर तुलसी विवाह होगा वहाँ पर 51 दीपक मैंने मिट्टी के रखे हैं जलाने के लिए, और नीचे करीब 21 यानी 21 दीपक हैं, और कुछ सेरेमिक के हैं। जो सेरेमिक वाले दीपक हैं ये बहुत सुंदर लगे, थोड़ा डेकोरेशन के पर्पज से अच्छे हैं। और अब एक एक करके मैंने तुलसी जी का श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया। ये वाला लहंगा मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत सुंदर लगा, आप लोग ज़रूर मंगाइएगा। और तुलसी जी को हमेशा ही सजा के रखना चाहिए, एक कोना ऐसा बनाना चाहिए जो हमारे ट्रेडिशन, हमारी वैल्यूज और हमारी रूट्स को तो रिप्रेजेंट करे। तो बाहर इस तरह से मैंने अपनी तुलसी जी कर रखी हैं, और वैसे भी हमेशा डेकोरेट मैंने करके रखती हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने जो कैलेंडर लेकर आई थी ना देव उठान का, उसको भी मैंने फ्रेम मतलब एक जो है कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। जैसे अहोई अष्टमी होती है, करवा चौथ के मेरे पास कैलेंडर रहते हैं, हर बार जो है उन्हें खरीदना नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी नहीं मिल पाते हैं, कभी मिलते हैं, तो इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। क्योंकि इसको मैं ऊपर जो तुलसी जी, जहाँ तुलसी विवाह होगा वहां पर मुझे देव को जगाने के लिए रखना है। और अब तुलसी जी का ये वही लहंगा है जो मैंने बनाया था, और बिल्कुल अच्छी तरीके से जो फ्रेम मैंने तैयार किया है उससे तुलसी जी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, देखिए नजर ना लग जाए। और उनको मैंने दो दुपट्टे पहनाए थे, एक पीच कलर का, और फिर मैंने इसे चेंज करके मजेंडा कलर का ही कर दिया था मैचिंग, और इसको ऊपर से उड़ा दिया था क्योंकि गठबंधन होता है। और विष्णु भगवान को भी तैयार करना था, तो पीले वस्त्र या पीली चुन्नी मैंने विष्णु भगवान के लिए सिलेक्ट करी थी, और अब ये मैंने बना दिया सफेद तिलों से अष्टदल कमल। और मैंने ये पूरी पूजा की तैयारी कर दी है, और जो मेरी भोग प्रसाद वाले तीन तुलसी के पौधे हैं उनको भी मैंने चुन्नी उड़ा दी, दीपक वगैरह का इंतजाम कर दिया, फूल मालाएं चढ़ा दी। इनकी विवाह नहीं करते हैं, और इनको इसीलिए मैंने ऊपर रख रखा है क्योंकि भोग प्रसाद के लिए बहुत ज्यादा इनकी जरूरत भी पड़ती है। मैं एक्चुअली बार बार ऊपर नीचे आना पड़ रहा है ना, नीचे भी तुलसी जी रखी हैं, ऊपर भी रखी हैं, तो मैं साड़ी नहीं पहन रही, जैसी कि मेरी पुरानी आदत है, मैं तैयार नहीं होती हूँ। तो बस मैंने दुपट्टा निकाल लिया है लाल रंग का, और इसी को ओढ़ के अब मैं जो हूँ तुलसी जी का विवाह करूंगी, दीपक जलाऊंगी, सब में रोशनी करूंगी, और फिर तुलसी जी का विवाह करूंगी। तो पहले दीपक जला के नीचे रखूंगी, नीचे वाली तुलसी जी का दीपक जलाऊंगी, फिर ऊपर जाऊंगी, ऊपर रोशनी करूंगी, और फिर ऊपर जो मैंने पूरा मंडप सजाया है वहां पे पूजा करूंगी। तो अपनी आदत से मजबूर हूं ना, आप समझ लेना, लेकिन हाँ आप लोग तैयार हुआ करो। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दीपक ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ इनको रखने। अब रात हो गई थी और मुझे विवाह से पहले हर जगह रोशनी करनी थी, इसलिए मैंने सारे दीपक जला दिए। ये तो हो गई, अब दूसरी वाली थाली लेकर आ रही हूँ दीपकों की, ये वाली। जो अल्पना मैंने बनाई थी ना उन सब पर भी दीपक रख दिए, और घर का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं छोड़ा। अब मेरा नीचे का काम हो गया था।
और जो नीचे तुलसी जी हैं उनका दीपक जलाया। यहाँ पे मैंने एक अखंड ज्योत भी रख रखी है जो किसी भी शुभ दिन पे मैं जला देती हूँ, और इस तरह से मेरी नीचे की जो रोशनी है और तुलसी जी हैं उनका जो काम है, पूजा है, वो हो गई। और फिर जो ऊपर मेरी प्रसाद वाली तुलसी जी है ना, वहाँ पर भी मैंने दीपक जला दिए। और अब बारी आई तुलसी विवाह की। जो तुलसी विवाह होता है उसे कोई कुंवारी कन्या नहीं करा सकती है, उसके लिए आप मतलब कोई सुहागन महिला जो है अपने पति के साथ कराए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो हमेशा जो है पति होते हैं वो घर पे नहीं होते हैं, तो इसे अकेले ही करना पड़ता है। ये तो समस्या लगभग सबके साथ ही है। मैं ये मान रही हूँ कि तुलसी माँ के जो है अब विष्णु भगवान के साथ विवाह संपन्न हो रहा है, तो खूब सारी फूल मालाएं, फूल पुष्प उनके ऊपर डाल रहे हैं। दीपक जला के गठजोड़ करके और उसके बाद मन ही मन इस विवाह को एक तरह से मानसिक रूप में ही मैंने संपन्न कराया। श्री विष्णु भगवान के संग अग्नि को साक्षी मानकर, गणेश जी यहाँ पधारे हुए, उन सबके साथ मैंने अपनी तुलसी माँ का विवाह संपन्न किया। तुलसी विवाह संपन्न हुआ और आप सब लोगों को तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे लड्डू गोपाल ठाकुर जी आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें, आपके परिवार को स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी रखें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना, बताया करो देखो, और पसंद आए ना तो लाइक जरूर किया करो। जैसे आप कहते हो ना, मेरे से आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, और शुभ तुलसी विवाह।